डियर स्टूडेंट्स, ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट हम वही सम्स कर रहे हैं जो हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है, ठीक है। कुछ सम्स ऐसे भी है जो हद से ज़्यादा बड़े हैं, सो अगर आपके स्कूल वाले आपको कराते हैं तो वेरी गुड, नहीं तो एग्जाम में ऑप्शंस आएगा तो उसमें आप लीव कर देना, इट्स ऑल राइट, ऑप्शंस में आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 4.4, बिफोर स्टार्टिंग विद प्रैक्टिस सेट, मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ सिखाया था, आपने नई नई चीज़ें सीखी, जैसा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो सीखा आपने। इसमें आप एक चीज़ सीखोगे जिसको आप कहते हो थियरम ऑन इक्वल रेशियोज, वन ऑफ माई फेवरेट वन, क्योंकि बहुत ईजी है ये थियरम ऑन इक्वल रेशियोज। थियरम ऑन इक्वल रेशियोज इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, अब ध्यान देना, एकदम मज़ेदार ईजी है। एक्स अपॉन सेवन इक्वल टू वाई अपॉन थ्री इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वाई वाई, और नीचे आपको बॉक्स दिया है, इसमें आपको आंसर निकालना है, एंड 7x माइनस 9y, इसमें भी आपको आंसर निकालना है। जब ऐसा कुछ स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे तो क्या करने का, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज ये जो क्वेश्चन है इसको पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही लिखो। आई रिपीट, ये जो मैंने ऊपर क्वेश्चन में लिखा है इसको पूरा का पूरा वैसे ही दे के लिख दो, ठीक है। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, हमें ये भरना है, ठीक है। ऊपर क्या है, 3x प्लस 5y, तो पहले 3 है तो 3 लिखो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x, 3 मल्टीप्लाई बाय x है, x के बदले कितना लिखा है यहाँ पे 7, इसलिए 3 के बदले क्या, x के बदले क्या लिखने का 7, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, 3x है, ठीक है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय x, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख दिया, क्यों x के बदले 7 क्यों लिखा, क्योंकि x के बदले नीचे क्या लिखा है 7। वैसे ही प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय y, 5 मल्टीप्लाई बाय y के बदले क्या लिखने का, नीचे 3 दिया है तो 3 लिख देने का, ऐसा पॉसिबल है, यस। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि क्या है, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। वैसे ही हम इसको करेंगे, 7x मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 7, क्यों x के बदले क्या लिखने का 7, ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय x के बदले क्या लिखेंगे हम 7, माइनस 9y मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय y के बदले क्या लिखने का 3, ठीक है। ये बॉक्स के बाहर चला गया, इसको प्लीज़ ज़रा पेंसिल स्केल से करना, मैंने पेन से किया, इसको पेंसिल स्केल से ड्रॉ करने का, ठीक है। इक्वल टू 3x प्लस 5y जो ऊपर है, नीचे सॉल्व करने का, 3 7 ज़ा 21 प्लस 5 3 ज़ा 15, करेक्ट, इसको मैंने सॉल्व किया है, 3 7 ज़ा 21 5 3 ज़ा 15 माइनस 7x माइनस 9y, ये वैसे का वैसे लिखने का, और नीचे जो बॉक्स है उसको सॉल्व करने का, 7 7 ज़ा 49 माइनस 9 3 ज़ा 27, समझ में आ गया, ठीक है। इक्वल टू अगेन ऊपर का वैसे लिखना है, और ये आपका बॉक्स, ये आप आंसर है, ये आपको बॉक्स में आंसर निकालना है ना, तो आपका बॉक्स में फिल इन द ब्लैंक्स से, तो मैं उसको आंसर बॉक्स में ही रखूँगा। 21 प्लस 15 कितना होता है, 36, करेक्ट, माइनस 7x माइनस 9y जो ऊपर है वैसे का वैसे लिखने का, नीचे क्या लिखने का, 49 माइनस 27 कितना होता है, 9 माइनस 7 22 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर ख़त्म होता है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो जो नीचे बॉक्स दिए थे वो मैंने उसका आंसर निकाल लिया, ऊपर का वैसे रखने का, नीचे का जो बॉक्स था उसको फिल इन द ब्लैंक्स बोला था मुझे, तो मैंने नीचे उसको सॉल्व किया और निकाल लिया, ठीक है। वैसे ही करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दो थे एक्स और वाई, इसमें तीन है ए बी सी, लेकिन चीज़ वही है, ए अपॉन थ्री बी अपॉन फोर सी अपॉन सेवन इज इक्वल टू ए माइनस टू बी प्लस थ्री सी, एक बॉक्स दिया है। अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स अब तक क्या दिया था, डिनोमिनेटर यानी नीचे बॉक्स दिया था आपको, नीचे नीचे, लेकिन यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर दिया है, ऊपर बॉक्स दिया है, तो ये कैसे करना है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले मैं ये वाला कर लेता हूँ, क्योंकि ये एकदम ऐसे ही है जैसा ऊपर किया था वैसे ही इसको भी करना है। सो अगेन स्टूडेंट्स, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज जो मैंने ऊपर लिखा था सेम वही है, इसको पूरा वैसे का वैसे उठा के यहाँ पे लिख देने का पूरा कॉपी करके लिख लेने का, ठीक है। सो पहले हम ये सॉल्व करते हैं, इसको बाद में करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है। सो ए अपॉन थ्री बी अपॉन फोर सी अपॉन सेवन, ए दिया है, ए कितना है 3, तो ए के बदले क्या लिखने का 3। आई रिपीट, ए कितना है 3, तो ए के बदले क्या लिखा 3, माइनस तो माइनस, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय बी मतलब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि बी के नीचे क्या दिया है 4, ठीक है। प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय सी यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 7,
क्योंकि सी के बदले क्या लिखना है, सेवन। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं पहले स्टूडेंट्स। ए माइनस टू बी प्लस थ्री सी अपॉन बॉक्स थ्री माइनस टू फोर ज़ा एट प्लस थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन। ठीक है, ये जो दो मल्टीप्लीकेशन थे टू फोर ज़ा एट थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन उसको करने का। ठीक है, ए माइनस टू बी प्लस थ्री सी अपॉन सॉल्व करो, थ्री माइनस एट कितना होता है स्टूडेंट्स, माइनस फाइव। ठीक है, फाइव में लिख देना, थ्री छोटा नंबर है एट बड़ा नंबर है, सो थ्री माइनस एट स्टूडेंट्स माइनस फाइव होता है, माइनस फाइव। और माइनस फाइव प्लस ट्वेंटी वन कितना होता है, सिक्सटीन। कैसे मैं बताता हूँ, पहले आपको ये समझ में आ गया थ्री माइनस एट माइनस फाइव कैसे आया, क्योंकि ये छोटा नंबर है ये बड़ा नंबर है, बड़े नंबर का साइन आएगा, एट का साइन आएगा, माइनस फाइव आएगा, प्लस ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी वन। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए माइनस करेंगे, ट्वेंटी वन में से फाइव गया तो कितना बचा, सिक्सटीन। ठीक है, दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन का साइन क्या है, प्लस, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, प्लस, प्लस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, हाँ अगर ये बड़ा नंबर होता तो माइनस दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये हो गया, आपने ये नीचे वाला बॉक्स ढूंढ लिया, सिक्सटीन आया। अब स्टूडेंट्स मैं ये वाला कैसे करूँ, ध्यान देना, ये थोड़ा उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे देखो थ्री दिया है, यहाँ पे सिक्स दिया है, थ्री हाउ मेनी इज अ सिक्स, थ्री टू ज़ा सिक्स। ठीक है, थ्री हाउ मेनी इज अ सिक्स, थ्री टू ज़ा सिक्स, और ऊपर क्या है, ए, तो ये हो गया टू ए। समझ में आ गया, समझ में आ गया, थ्री हाउ मेनी इज अ सिक्स, थ्री टू ज़ा सिक्स, और ए है तो ए लिख दिया, फिर माइनस है तो माइनस। अब दूसरा नंबर देखो, फोर और एट, फोर हाउ मेनी इज़ अ एट, फोर टू ज़ा एट, तो टू यहाँ पे लिखा, और ऊपर क्या लिखेंगे, बी है तो यहाँ पे बी लिखने का। ठीक है, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, सेवन हाउ मेनी इज़ अ फोर्टीन, सेवन टू ज़ा फोर्टीन, सेवन टू ज़ा फोर्टीन, तो टू लिखा और सी लिखा। ठीक है, अब आपको चाहिए तो आप आंसर चेक कर सकते हो, आपका राइट है कि रॉन्ग। ये देखो टू ए है, जैसा हम लोगों ने ये किया था ना अभी सॉल्व किया था ये, सो टू ए है, ए के बोले क्या लिखेंगे, थ्री, तो टू थ्री ज़ा सिक्स, नीचे सिक्स आया, वैसे ही टू मल्टीप्लाई बाय बी, बी कितना है फोर, टू फोर ज़ा एट, समझ में आ गया, और सी कितना है टू सी, टू मल्टीप्लाई बाय सेवन, क्योंकि सी कितना है सेवन, टू सेवन ज़ा फोर्टीन। समझ में आ गया इसको कैसे करने का, उल्टा जाने का, थ्री टू ज़ा सिक्स, सो टू ए लिख दिया क्योंकि पहला है, फोर टू ज़ा एट, तो टू बी लिख दिया क्योंकि बी दूसरा है, सेवन टू ज़ा फोर्टीन, तो टू लिख दिया, सी तीसरा है, ये माइनस है तो माइनस लिखा, प्लस है तो प्लस लिखा, आंसर खत्म। तो आपका ये बॉक्स भी मिल गया आंसर, और जो ऊपर था वो भी मिल गया। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चंस करेंगे हम अगले वीडियो में, इसको प्लीज़ प्रैक्टिस करना, इसको बोलते हैं थियरम ऑन इक्वल रेशियोज। ठीक है, चलो।